स्टूडेंट्स द बोर्ड स्टडी में मैं प्रभात श्रीवास्तव आपको हाई स्कूल सिलेबस में जो इंग्लिश रीडर बुक चलती है उसका जो पोएट्री सेक्शन है जो 7 या 8 नंबर का आता है उससे रिलेटेड जो पोयम है आपके प्रिस्क्राइब सिलेबस में द फाउंटेन वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। द फाउंटेन पोयम जेम्स रसेल लॉवेल के द्वारा लिखी गई है। जेम्स रसेल लॉवेल वाज़ ए लवर ऑफ नेचर, वो प्रकृति को पसंद करते थे, प्रकृति में जो कुछ भी आसपास है उसे वो पसंद करते थे और मैसेज देने का प्रयास करते थे। तो यू कैन सी ए लॉट अमंग नेचर, देयर इज सो मैनी थिंग्स इन नेचर विच वी डू नॉट नोटिस। द पोएट सीज फाउंटेन, द ब्यूटी ऑफ द फाउंटेन अपील्स हिम, द नेचर ऑफ फाउंटेन अपील्स हिम, सो ही राइट्स हियर ऑन द बोर्ड आर गिवन ऑल द 8 स्टैंजा ऑफ द पोयम। इन हाई स्कूल एग्जामिनेशन द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू कॉम्प्रेहेंशन क्वेश्चन फ्रॉम द स्टैंजा and 4 lines to be written on your answer sheet. These 2 questions are asked from poetry. So let's read, let's find out what the poet says in this poem, The Fountain. The poet observes the fountain in the sunshine and finds into the sunshine means सूर्य के प्रकाश में, इंटू द सन साइन माने होगा सूर्य के प्रकाश में, इंटू का सेंस ये आता है कि अंडर द इफेक्ट ऑफ सनलाइट, व्हेन सन रेज फॉल ऑन द फाउंटेन, जब कि सूर्य की किरणें उस फाउंटेन पे पड़ती हैं, फाउंटेन माने फवारा होता है, फवारे के जल पर पड़ती हैं, तो किस तरह का वो प्रतिबिंब उभर कर आता है, किस तरह की नेचुरल ब्यूटी निकल करके आती है, ये बताने का प्रयास किया है कवि ने। इंटू द सनशाइन माने सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में या अंडर द इफेक्ट ऑफ सनलाइट, फाउंटेन कैसा हो जाता है फुल ऑफ द लाइट, पोएट कहता है कि सूर्य के प्रकाश के प्रभाव में फाउंटेन का जो जल है जो फवारा है वो प्रकाश से भर जाता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, और दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरी क्या विशेषता है उसकी, ऐसा प्रतीत होता है कि द वाटर ऑफ द फाउंटेन इज जस्ट लीपिंग, उछल रहा है, एंड फ्लैशिंग माने चमक रहा है, कि फवारे का जो जल है वो उछलता हुआ चमकता हुआ बह रहा है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट एंड इट कंटिन्यूज फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, जब सूर्योदय होता है सूर्योदय से लेकर के सूर्य अस्त तक। दूसरे स्टैंजा में चंद्रमा के प्रकाश का प्रभाव फाउंटेन पर क्या पड़ता है इसको बताएगा। Into the moonlight, whiter than snow. जब चांद की रोशनी उसी फाउंटेन पर पड़ती है तब वो कैसा हो जाता है, whiter माने और श्वेत हो जाता है, than snow बर्फ से भी अधिक श्वेत हो जाता है, सफेद हो जाता है। Wavings of flower like, another characteristic of the fountain. Wavings of flower like, फूल जैसा हिलता है, फूल जैसा, वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूल के समान हिलता है, व्हेन द विंड्स ब्लो, कब, जब हवाएं चलती हैं, जब हवा का प्रभाव उसी जल पर पड़ता है तो उसकी जो जल की धार है जो फ्लो ऑफ वाटर है वो इस तरह से मूवमेंट करता है जैसे कि हवा में फूल की टहनी हिलती है, फूल हिलते हैं, ठीक। तीसरे स्टैंजा में स्टार लाइट का क्या प्रभाव पड़ता है फाउंटेन पर वो बताया गया है। इनटू द स्टार लाइट, जब तारे की रोशनी पड़ती है, और तारे कैसे होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं, उनकी स्टिल ब्राइटनेस नहीं होती है, तो उस जो टिमटिमाने का जो प्रकाश है जो ट्विंकलिंग लाइट है उस ट्विंकलिंग लाइट में फवारा कैसा दृश्य देता है, कैसा दृश्य उभर कर आता है फाउंटेन का ये बताएगा। इनटू द स्टार लाइट रशिंग स्प्रे, उसी फवारे का जल ऐसा लगता है एज इफ इट सेंडिंग इन द एयर, रशिंग स्प्रे माने होता है टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो
पानी की छोटी छोटी बूंदे हैं जो हवा के प्रभाव से या जल के किसी प्रभाव से आगे फेंक दी जाती है, रसिंग इन स्प्रे, जिसको हम फुहार कह सकते हैं, फुहार की तरह से मालूम देता है, इनटू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे। फिर बताता है कि फाउंटेन की विशेषता क्या है, हैप्पी एट मिडनाइट, मध्य रात्रि में भी ये प्रसन्न रहता है, एंड हैप्पी बाई डे, यानी दिन और रात का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, द फाउंटेन लुक्स ऑलवेज हैप्पी एंड चेयरफुल। चौथा स्टैंजा में और कैरेक्टरिस्टिक बताएगा फाउंटेन की, फवारे की, एवर इन मोशन। एक विशेषता फाउंटेन की यह है कि यह सदैव गति करता रहता है, दिन और रात का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एवर इन मोशन यानी सदैव गति में रहता है, ब्लिदसम एंड चेहरी, ब्लिदसम एंड चेहरी, यहां पर एंड होगा, ब्लिदसम माने होता है प्रसन्न और चेहरी माने भी आनंदमय, सदैव गति में रहता है और प्रसन्न और आनंदमय रहता है, ठीक, कभी निराशा उसके उसमें झलकती नहीं है, उसका वो बिहेवियर, उसका जो नेचर है, उसका स्वभाव है, वो निराशापूर्ण नहीं है। स्टिल क्लाइंबिंग ह्यूमन वर्ल्ड, ये लाइन कहती है, मैसेज ये देती है कि वह सदैव ऊपर की ओर उठता है, प्रगतिशील रहता है, स्टिल क्लाइंबिंग ह्यूमन वर्ल्ड, ह्यूमन माने, ह्यूमन का एक मतलब स्वर्ग होता है और एक ह्यूमन माने होता है आसमान, ठीक, तो स्टिल क्लाइंबिंग ह्यूमन वर्ल्ड, स्टिल माने होता है सदैव, स्टिल माने सदैव, तो सदैव ये ऊंचाई की ओर बढ़ता रहता है यानी प्रगतिशील होता है। और नेवर एवेरी फाउंटेन की विशेषता है, वह कभी भी थकता नहीं है, नेवर एवेरी माने कभी न थकने वाला। फिफ्थ स्टैंजा में मौसमों का क्या प्रभाव पड़ता फाउंटेन का, फाउंटेन पर यह बताएगा, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, सभी मौसम में प्रसन्न रहता है, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, ग्लैड माने सुख या खुशी, सभी मौसम में सुख देने वाला या खुश रहने वाला, कुछ भी कह सकते हैं। स्टिल सीमिंग बेस्ट, फिर वही स्टिल आ गया, स्टिल माने सदैव, सीमिंग माने प्रतीत हो रहा है, सदैव प्रतीत होता रहता है, बेस्ट, बेस्ट माने सर्वश्रेष्ठ, उसको किसी भी मौसम में आप देखेंगे तो वो अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में ही आपको दिखाई देगा, ठीक, ये मतलब है कहने का। आगे कहता है अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे फवारे का जो जल है वो चाहे ऊपर की ओर जा रहा हो या बहकर के नीचे की ओर जा रहा हो, इट हैज ए ब्यूटी, इसकी अपनी एक सुंदरता होती है, तो कभी लिखना चाहता है अपवर्ड माने ऊपर की ओर एंड डाउनवर्ड जब वो नीचे की ओर गिर रहा है। मोशन डाइजेस्ट, गति ही इसका विश्राम है, इसके कई मतलब निकलते हैं, गति ही उसका विश्राम है, लेकिन आप क्योंकि हाई स्कूल स्तर में हैं तो उस स्तर का जो अर्थ ये होगा कि गति ही उसका विश्राम है, गति ही उसका विश्राम है। अब इसको समझने ऐसे समझेंगे कि जो फ्लो ऑफ वाटर है वो इतना कांस्टेंट है, लगातार पानी बह रहा है कि अगर दूर से देखें तो ऐसा लगता है कि इट इज स्टिल, इट्स नॉट वर्किंग, जो पानी का जो प्रवाह है वो इतनी कांस्टेंट है, वो स्थिर गति से चल रहा है, लगातार हो रहा है कि दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि फाउंटेन इज स्टिल, यह स्थिर है, ठीक, इसलिए कवि ने लिखा है मोशन दाई रेस्ट, कि गति ही इसका विश्राम है। सिक्स स्टैंजा में कहता है फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ नेचर का मतलब होगा कि यह प्रकृति से भरा है या प्राकृतिक ऊर्जा से भरा है, फाउंटेन प्राकृतिक ऊर्जा से भरा है, इसलिए नथिंग कैन टेम, उसे कोई अपने वश में नहीं कर सकता, वह स्वतंत्र है, ठीक, क्योंकि फाउंटेन प्राकृतिक ऊर्जा से लबरेज है, भरा है, इसलिए उसे कोई टेम नहीं कर सकता, टेम माने उसको अपने अधीन नहीं कर सकता। चेंज एवरी मोमेंट, यद्यपि, अब यहां विरोधाभास है, देखेंगे, चेंज एवरी मोमेंट, प्रतिक्षण बदल रहा है, प्रतिक्षण कैसे, क्योंकि जल जब यहां से चला, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ऐसे तो गति तो हो रही है उसमें, ठीक, तो चेंज एवरी मोमेंट, प्रतिक्षण बदल तो रहा है, लेकिन एवर द सेम, व्हेन यू लुक
एट रैंडम अचानक से देखेंगे, सडनली जब वॉच करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो वही फाउंटेन है, ये अपना रूप परिवर्तित नहीं कर रहा है। ठीक, इसलिए उसने लिखा चेंज एवरी मोमेंट, प्रतिक्षण बदलने वाला फिर भी वही फाउंटेन। अब सातवां, सीजलेस एस्पायरी। फाउंटेन के बारे में कवि कहता है कि ये अंतहीन आशावान है। एस्पायरिंग माने आशा देने वाला, एस्पायरिंग है। सीजलेस कंटेंट, अंतहीन संतोष प्रदान करने वाला है। उसे देखने पर आपको अंतहीन सांत्वना मिलती है, संतोष मिलता है, रिलीफ, इट गिव्स यू रिलीफ। डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, सुख, डार्कनेस माने क्या होगा दुख, और सनशाइन माने क्या होगा सुख। सुख और दुख में ही यह आशावान प्रतीत होता है, यही इसके दो विशेष गुण हैं। दाई एलिमेंट माने क्या होगा, तत्व या गुण। फाउंटेन के दो विशेष गुण हैं कि यह सुख और दुख का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से यहां से एक टीचिंग भी देता फाउंटेन हम सबको कि सुख और दुख का हमारे ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, ग्लोरियस फाउंटेन। अंत में कवि फाउंटेन से प्रार्थना करता है या अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि वो भी क्या बनना चाहता है। वो फाउंटेन को पुकारता है ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे। फाउंटेन को ग्लोरियस कहता है, शानदार। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी, कहता है मेरे हृदय को भी बना दो या बन जाए। लेट माई हार्ट बी माने क्या होगा, मेरा हृदय भी बन जाए। कैसा, फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, तरोताजा रहने वाला। चेंजफुल माने परिवर्तनशील और स्थिर। उसका हृदय भी कैसे हो जाए, फ्रेश, चेंजफुल और कांस्टेंट, जो कि फाउंटेन के तत्व हैं, एलिमेंट हैं। ठीक, और लास्ट में आता है अपवर्ड लाइक दी, और मैं भी तुम्हारे जैसे ऊंचाइयों को छू या ऊंचाइयों की ओर बढ़ू। पर गतिशील होना चाहता है, क्योंकि फाउंटेन हमें जीवन में कभी ना निराश रहना ये सिखाता है, और प्रगतिशील रहना ये सिखाता है। ठीक, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो पहला कंप्रेहेंशन क्वेश्चन आता है, जो पहली चार लाइन दी गई होंगी और उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें से आता है नेम ऑफ द पोएट। ये पूछा जाएगा कि जो गिवन लाइंस हैं इसके राइटर कौन है, कंपोजर कौन है, और इसका टाइटल क्या है। आसान सा है, आपको कह देना है द नेम ऑफ द पोएट, नाम लिख देंगे नेम ऑफ द पोयम। ये दो क्वेश्चन आते हैं, मस्ट हैं, इनको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक होगी क्योंकि ये डेढ़ या दो नंबर का आता है, स्पेलिंग मिस्टेक होने पर आपके 50% मार्क्स कट सकते हैं या पूरा भी कट सकता है। तो नेम ऑफ द पोएट पूछा जाएगा, यानी कंपोजर, एंड नेम ऑफ पोयम आपको लिख देना है इसी तरह से, द नेम ऑफ द पोएट इज जेम्स रसेल लॉवेल, एंड नेम ऑफ द पोयम इज द फाउंटेन। ये क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न जो आएगा वो आएगा राइमिंग वर्ड्स का, कि विच आर द वर्ड्स विच राइम टूगेदर। तो राइम टूगेदर कहां से निकाला जाता है, लास्ट में आप देखेंगे एक जैसा साउंड निकलता, जो पोएट्रिक लाइन्स दी हुई हैं उनमें जो एक जैसा साउंड निकलता है वो राइमिंग वर्ड्स है। जैसे फुल ऑफ द लाइट, लाइट और ये क्या है, नाइट, लाइट नाइट, मिलते जुलते शब्द हैं, तो साउंड इनका है वो एक जैसा है, इसलिए राइमिंग वर्ड्स हो जाएंगे लाइट नाइट। इसी में देखें स्टार लाइट मिडनाइट, स्प्रे डे, ये सब क्या है, राइमिंग वर्ड्स है। फिर है बेस्ट रेस्ट, ये सब आपके राइमिंग वर्ड्स में आ जाते हैं, आपको लिख देना है। जैसे क्वेश्चन आता है कि विच आर द वर्ड्स विच राइम टुगेदर, आप लिखोगे कि बेस्ट एंड रेस्ट आर द वर्ड्स विच राइम टुगेदर। ये आपका क्वेश्चन आपका हो जाएगा आंसर पूरा। इसमें देखेंगे स्नो, ब्लो, चेरी, एवियरी, टेम, सेम,
कंटेंट एलिमेंट बी दी, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, राइमिंग वर्ड्स हो जाएंगे इस पोयम में। तो ये दो प्रश्न ऐसे हैं कि जिसमें आपको पोयम का नाम बताना है या पोएट का नाम बताना है, दूसरा राइमिंग वर्ड्स, ये दो क्वेश्चन आते ही हैं। इसके अलावा पूछेगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सन लाइट ऑन द फाउंटेन, कि सन शाइन का इफेक्ट क्या होता है, तो आंसर दिया हुआ है फुल ऑफ द लाइट, जब सन शाइन होती है तो कैसा दिखता है ये, फुल ऑफ द लाइट। इसी तरह पूछेगा कि मून लाइट का क्या इफेक्ट होता है इसमें से, तो मून लाइट का क्या हो जाता है, वाइटर देन स्नो, मून लाइट का इफेक्ट क्या होगा, वाइटर देन स्नो। तो जब ये वर्कशीट वाले क्लासेस चलेंगे उसमें और डिटेल में बताया जाएगा। फिर नेवर इवेरीज, बहुत और टफ अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा मोशन द रेस्ट से क्या मतलब है आपका, एवर द सेम से क्या मतलब है आपका, ठीक, फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट से क्या मतलब है आपका, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे जैसे क्लासेस आप पढ़ेंगे इसमें से एडवांस करेंगे तो बारी बारी से उन क्वेश्चंस को बताएंगे। मुख्य जो प्रश्न आते हैं वो यही आते हैं कि आपको नेम ऑफ द पोयम और पोएट का नाम पता होना चाहिए, दूसरा ये इसके जो राइमिंग वर्ड्स आते हैं वो आपको जानकारी होनी चाहिए।